नाना भंडारे में है यहाँ पे छोला पूरी, फिर वो जल मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ नीचे जा रखे हैं और हम बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब तक आएंगे। कहाँ के हो तुम लोग? अच्छा, सबसे पहले केवल हम लोग आए थे और अचानक से इतनी भीड़ हो गई। कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ हम छाता नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले हो गई है आज की व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने छाता पकड़ा हुआ, क्योंकि आजकल यहाँ पे लगातार रोज छाता पकड़ने की नौबत आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और आज मेरा पूरा माथा पिठाई से लबालब है, क्योंकि आज भी मैं गांव रायडी में हूँ जहाँ पर की जग्गी चल रही है। और अभी भी मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, आज यहाँ पे है जल यात्रा। तो मेरे साथ है मोनिका और हमारी दोनों बहनें, हाई करो। तो ये लड़कियाँ है, कहाँ के हो तुम लोग? अच्छा, तो ये रायडी की लड़कियाँ है। तुम गए नहीं जल यात्रा में? अच्छा बढ़िया। तो यहाँ नीचे है मंदिर और सब लोगों ने थोड़ा बहुत छाता रखा हुआ है, हमने तो कुछ ज्यादा ही। और इतनी भीड़ हो रखी है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग जल लेने के लिए जा रखे हैं नीचे। और जल यात्रा कुछ कुछ खास अवसर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा खास मौके होते हैं ऐसी पूजा के। तो आज बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे चारों तरफ। तो फिर ऐसा होता है कि जिनको जल लेना होता है वो लोग, वो औरतें या फिर वो सभी लोग सुबह से निकल जाते हैं और नदी से या फिर किसी भी ऐसी खास जगह से जो कि गांव के आसपास की होगी, वहां से पानी लेके आते हैं या जल लेके आते हैं, फिर वो जल मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां नीचे जा रखे हैं और हम बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब तक आएंगे। रास्ता वैसे थोड़ा सा खराब है क्योंकि बारिश प्रॉपर हो रही है, लेकिन फिर भी अभी हम देख ही रहे कब तक आते हैं। तो रास्ता खराब होने की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हमारी तरफ बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब जल लेके आएंगे और कब मंदिर में जाएंगे। हेलो, इतना समय क्यों लग रहा है? ये जो लाइन लगी हुई थी उसके पीछे महिलाएं बहुत ज्यादा डांस कर रही थी बारिश में भी, तो उनको देखे बड़ा मजा आ रहा है, तो शायद इसी वजह से देर हो रही थी। देखो इतनी बारिश में भी महिलाओं में कितनी एक्टिवनेस है। और सब लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब लोग आएंगे और कब मंदिर में जल विसर्जित होगा। इसके साथ साथ आज यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी में लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां भी इस संघर्ष में जल लेके आ रही हैं, और देखिए बिना चप्पलों की वो भी, और सारे पंडित लोग बच्चियों के साथ में चढ़ रहे हैं क्योंकि बारिश है, थोड़ा सा उनको दिक्कत आ सकती है, और वो भी बिना चप्पलों की छोटी छोटी बच्चियां फ्रॉक में जा रखी है पानी लेने के लिए। ये देखिए कि कुछ छोटी छोटी बच्चियों ने भी पीली साड़ी पहन रखी है और बहुत खूबसूरत लग रही है। आगे तो छोटी छोटी लड़कियां थी, अब थोड़ी सी बड़ी हैं और इन्होंने साड़ी पहनी हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। सारी छोटी छोटी बच्चियां हैं ये, और इतने नीचे से बिना चप्पलों के आ रही है। ये जो आप निशानों को देख रहे हैं ये आगे पीछे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये छत्रपाल महाराज के निशान है और ये कोई भैरवनाथ के होंगे, तो ये जितने भी श्रद्धालु हैं जल लेके आ रहे हैं नदी से, उनकी रक्षा में आगे पीछे हो रहे हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है। जहाँ से कलश लेके आ रहे थे ये कलश यात्रा अंदर जा रही है और वहाँ मंदिर में विसर्जित करेंगे पानी को। लगभग 7 दिन से यहाँ पे लगातार यज्ञ हो रहा है, हर दिन मतलब सुबह से शाम तक यहाँ पे यज्ञ चलता रहता है, इसी की आवाज आपको आती रहती होगी प्रॉपर जो भी आसपास के हैं। और आज खास मौका है, जल यात्रा एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है किसी भी चीज का, तो आज इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़ है। तो ये वाला मंदिर के पिछले भाग है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है जहाँ पे कि लोग छोटी मोटी चीजें ले रहे हैं। यहाँ पे आज भंडारे की लाइन लगी हुई है, मतलब आज भंडारा भी होगा जो कि गांव वालों की तरफ से दिया जाएगा, तो सब लोग भंडारे के लिए जा रहे हैं नीचे। फाइनली अभी भंडारे की पहली लाइन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं भंडारे के लिए सबसे पहले आ गई हूँ, मतलब
मैं और मोनिका लोग, क्योंकि इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस जहाँ पे भंडारा हो रहा है मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ी हो रही थी और सबने कहा भंडारा खाने चलो, तो हम लोग सबसे पहले आए और अभी तो बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। हाँ क्या बोल रहे? हाँ भाई तो अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है चारों तरफ, मतलब सब लोग बैठेंगे भंडारा खाने के लिए। अभी तो मतलब यार इतनी ज्यादा भीड़ हो गई अचानक से, अभी तो हम सबसे पहले केवल हम ही लोग आए थे और अचानक से इतनी भीड़ हो गई कि मतलब जमीन ही दिख रही हो। क्या छाता खोल दे यार, हमारे पास बहुत बड़ा छाता है, खोल दे। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हमने छाता नहीं मेरी खांसी, कोई जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ हम छाता नहीं खोल रहे भंडारे के लिए, लोग रह रहे हैं बिना छाते के भी। पता है मेरे एक तो बाल खराब हो रहे हैं ना, मतलब बारिश आती है तो बाल ऐसे हो जाते हैं। फाइनली अब हम लोगों के पास आ चुका है भंडारा, भंडारे में है यहाँ पे छोला पूरी और मैंने तो दो दो ले ली, मेरे पास दो है क्योंकि मैंने दो ले ली, क्योंकि मैं जान पहचान में कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें ले सकती हूँ। तो बारिश प्रॉपर लगी हुई है और भंडारा भी खत्म हो गया था, इस बारिश में ना फोन निकालना इतना मुश्किल हो रहा है कि कोई काम करना ही कैसा है। तो गौरी डॉली लोग भी हमारे साथ थे, मोनिका तो है ही इतना बड़ा छाता लेके क्योंकि ये किसी का है और ये अभी तक उनको छाता वापस कराने का नाम नहीं ले रही। हम जब कल आए थे तो किसी ने हमको छाता दिया था और आज हमने कहा कल वापस करा देंगे, आज तक ये उनको छाता देने, मैंने बोला उनको छाता वापस करा दे, कहीं नहीं वो मार्केट आएंगे तब देंगे। मतलब ऐसे लोग हैं, इन्हीं लोगों के वजह से तो कोई हमको कोई चीज नहीं देता है। और हमारे साथ साथ और लोग भी जा रहे हैं और आसमान अभी तक इतनी ज्यादा आवाज कर रहे हैं, मतलब शाम तक और भी ज्यादा बारिश आएगी यार। क्यों मैं डालूंगी नहीं वो सीन, मतलब आजकल ये चीज होती है ना कि कोई गिर जाता है कोई भी चीज बीच में ऐसी हो जाती है तो लोग सोचते हैं वायरल हो जाएंगे, पर अच्छी होगी तभी डालूंगी बीच में क्योंकि मैं गिर गई थी अभी अभी। तो हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमने वो वाला शॉट देखा जिसमें मैं गिरी, वो तो शुक्र है कि मैं पूरा ही नहीं गिरी और हम लोग शॉर्ट कर यहाँ नीचे पहुंच गए यार। मतलब वैसे हमें इस रास्ते की बहुत ज्यादा याद है क्योंकि मैं यहाँ हम लोग यहाँ स्कूल पढ़ाने आते थे। रोड पे बस भी आती है क्या? पहली बार मिस रोड, अच्छा पहली बार मिस रोड पे कोई बस देख रही। तो थोड़े नीचे आते हैं तो यहाँ पे हो रखे हिसोल और हम लोग कल भी जब आ रहे थे यहाँ से तो हम लोग रोज ही हिसोल खाते हैं, बारिश हो कुछ हो हिसोल नहीं छोड़ेंगे, इसे कहते हैं लोग। मैंने बहुत लोगों को सुना है वैसे कि लोग कहते हैं इसे पहाड़ी बेरी कहते हैं, ये है हिसोल, ये नहीं छूटेंगे। मुझे बहुत पसंद है, छाता मेरे ऊपर भी था। तो ये इतना बड़ा पेड़ है इसका, इसे झाड़ कहते हैं वैसे। ये दोनों जा रखे यहाँ, गौरी तो चले गए ऊपर और मैंने भी कर लिया अपने हिस्से का पूरा। वैसे हम लोग आधे भीगी गए थे तो एक गढ़वाली में कहावत है जो यति तौतती, मतलब जहाँ इतना हो गया वहाँ थोड़ा और भीगी जाते हैं, तो थोड़ा सा तबीयत खराब होने की दिक्कत है। वैसे ये काफी बड़ा झाड़ है, मतलब इस पे काफी सारे लगे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा दूर दूर है रास्ते से, जैसे ही उस तरफ लगे लग तो नजदीक रहे लेकिन रास्ते से काफी दूर है। यहाँ से दिखने लग गया है गंगानगर और हम लोग आ गए हैं अपने गंगानगर में। तो पहली बार मैं यहाँ से पैदल आई हूँ और समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का, बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।